तेरे प्यार की तकदीर जब से तुझ बीस साल की तुनिशा शर्मा बेहद खूबसूरत खुश मिजाज टीवी एक्टर थी। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने देखने वाली थी। अपनी जीवन में उस बुलंदी तक पहुंचना चाहती थी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अपनी जान ही दे दी और अपने पीछे अपनी मम्मी को रोता बिलखता हुआ छोड़ के चली गई। क्या वो शिजान खान के साथ ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पाई? आप ये वीडियो देखिए। तुनिशा शर्मा ने इस वीडियो में टैटू कराया है लव अबव एवरीथिंग, यानी कि प्यार सब चीजों से ऊपर है, यानी कि तुनिशा के लिए प्यार सबसे ऊपर था। क्या यही थी असली वजह या फिर वो थी प्रेग्नेंट? जब से तुनिशा की मौत सबके सामने आई है, इस वाक्या ने सबको चौंका कर रख दिया है और साथ ही साथ सबके मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। तो रुक जाइए, आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके इन सवालों के जवाब लेके आया हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि तुनिशा की मौत आपको परेशान ना करे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर तुनिशा शर्मा थी कौन। तुनिशा का जन्म 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पैशनेट थी। यही कारण था कि इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और ये महाराणा प्रताप सीरियल में चंद कंवर के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने अशोक सम्राट, इंटरनेट वाला लव, हीरो गायब मोड ऑन वैसे कई बैक टू बैक 8 सीरियल किए और हाल ही में ये अलीबाबा के दास्ताने काबुल में शहजादी मरियम का किरदार निभा रही थी, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन इनका दायरा टीवी सीरियल तक नहीं रुका। इन्होंने फितूर, बार बार देखो, दबंग 3 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने कई म्यूजिक एल्बम भी किए हैं और साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव थी। इनके इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। जब आप इनके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखोगे तो ये रेगुलर वीडियो अपलोड करती हैं। साथ ही ये जीवन से जुड़ी हुई और अपने फैशन को फॉलो करती हुई भी नजर आती हैं। इन्होंने उसी दिन 24 दिसंबर 2022 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने लिखा, जो अपने जुनून से प्रेरित होते हैं वो कभी नहीं रुकते। ये कैप्शन इन्होंने कितना मोटिवेट करने वाला लगाया है। लेकिन आखिर 1-2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया? उसको जानने से पहले आइए पहले इनकी लव स्टोरी जानते हैं। 22 अगस्त 2022 को सब टीवी पर अलीबाबा नामक सीरियल की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मॉक टेस्ट हुआ और मॉक टेस्ट के दौरान इनकी मुलाकात हुई शिजान खान से। और ये लोग बताते हैं कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो हम लोग एक दूसरे को देखते रह गए, मानो हम पहले से एक दूसरे को जानते हो। और देखते ही दोनों एक दूसरे पे दिल हार बैठे और साथ ही साथ हमें ये लगा कि हम दोनों काफी परफेक्ट जोड़ी हैं। हम लोगों की वाइब कितनी ज्यादा मैच कर रही हैं। हम दोनों पहली ही मीटिंग में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और सीरियल के शूट के दौरान ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। आप इस बात को इस पोस्ट से समझ सकते हैं, जब इन्होंने बर्थडे वाले दिन एक पोस्ट पे लिखा, हैप्पी बर्थडे लव। इस फोटो में देखिए ये दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको तुनिशा शर्मा का एक और पोस्ट दिखाता हूँ जो एक महीने पहले का है, 19 नवंबर 2022 का, जिसमें उन्होंने सुजान के बारे में कुछ लिखा था और सुजान को टैग किया था। आप नीचे दी गई पोस्ट में पढ़ सकते हैं। इन दोनों पोस्ट को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि तुनिशा शर्मा के लिए सुजान कितने इम्पोर्टेंट थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सुजान के लिए भी तुनिशा उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जितना तुनिशा के लिए सुजान इम्पोर्टेंट था? इस हादसे के बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इनका हाल ही में ही 15 दिन पहले ब्रेकअप हो चुका था, जिसकी वजह से तुनिशा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। इन्होंने सुजान को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक इनका मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि तुनिशा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो शादी के लिए सुजान को मना रही थी, लेकिन सुजान शादी के लिए नहीं मान रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल गलत है, तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया है, तो इन्हें बदनाम ना किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि तुनिशा सुजान को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, और शायद यही वजह थी कि वो 15 दिन से लगातार बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी और उन्होंने 24 दिसंबर 2022 को सुजान के मेकअप रूम में अपनी जान दे दी। अब इन्होंने अपनी जान
खुद दी या फिर मामला कुछ और है, इसको सीजान बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। सीजान को पुलिस ने 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अब तुनिसा को न्याय मिलता है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं तो तुनिसा से इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो किया है, अगर उन्होंने असलियत में ये किया है तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। उन्होंने अपने पीछे अपने मम्मी अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चली गई मात्र अपने 6 महीने के प्यार के लिए, और साथ ही अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। उनकी मम्मी ने तो उन्हें सफलता की ऊंचाइयां छूने मुंबई भेजा था, उन्होंने ये क्या कर दिया। आखिर में हम तो यही कह सकते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई समस्या है तो किसी को बता दीजिए, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उसे लिख दीजिए, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। आपकी जिंदगी आपकी अकेले की जिंदगी नहीं है, क्या पता आपकी जिंदगी से बहुत लोगों की ख्वाहिश से जुड़ी हो और आपका लिया गया ये फैसला बहुत लोगों की जिंदगी को तोड़ सकता है।